नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर प्रीलिम 2020 में आपका स्वागत है। इकोनॉमिक रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के इकोनॉमी से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है 1,00,000 करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इस्टेब्लिश करने के लिए। क्या है ये फंड? देखो, ये एक प्रकार से सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। आपको पता है हमारे देश में फसलों को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा वीक है, तो बहुत सारी फसल हर साल ख़राब हो जाती है कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से और फसलों को स्टोर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ना होने की वजह से। इसलिए सरकार ये चाहती है कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इसी को एंकरेज करने के लिए सरकार ने ये फंड इस्टेब्लिश किया है। इस फंड की सहायता से उन प्रोजेक्ट्स की डेट फाइनेंसिंग होगी जो कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित हैं या फिर कम्युनिटी फार्मिंग एसेट से संबंधित हैं। मीडियम और लॉन्ग टर्म के लिए डेट फाइनेंसिंग होगी। कैसे होगी? फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इंटरेस्ट सबवेंशन की सहायता से। इंटरेस्ट सबवेंशन में क्या होता है, मान लीजिए देखो कोई कंपनी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती है, प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करती है कोल्ड स्टोरेज से संबंधित। इसके लिए 1 करोड़ का लोन लिया गया है, इंटरेस्ट रेट है 10%। तो 10% में से अगर मान लीजिए 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन है तो 7% उस कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बाकी 3% सरकार देगी उस कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट। यह मतलब होता है इंटरेस्ट सबवेंशन का। ड्यूरेशन क्या है, मतलब कब तक ये जो स्कीम है इंप्लीमेंट रहेगी? फाइनेंशियल ईयर 2020 से लेकर 2029 तक। फंड लोन प्रोवाइड करेगा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर्स जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप्स, इन सबको। इंटरेस्ट सबवेंशन कितना होगा? सभी लोन पे 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, लिमिट है 2 करोड़ तक। और ये जो इंटरेस्ट सबवेंशन है मैक्सिमम 7 साल तक एप्लीकेबल रहेगा। क्रेडिट गारंटी का भी प्रोविजन है, मतलब जो एलिजिबल बोरोअर हैं, कर्ज लेने वाले लोग हैं, वो कर्ज लेते हैं और कर्ज नहीं चुका पाते हैं तो उनके कर्ज की गारंटी होगी क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। ये क्रेडिट फंड 2 करोड़ तक के लोन को गारंटी प्रोवाइड करेगा। तो हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल हमारा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में है। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट ये है, यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूवल दे दिया है। ये स्कीम अर्बन माइग्रेंट्स एंड पुअर लोगों के लिए है। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, ये देखो एक सब स्कीम है। किस कौन सी स्कीम के अंतर्गत ये आती है? प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंतर्गत। समझ गए, मतलब जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन स्कीम है उसी स्कीम का एक ये पार्ट है, आप कह सकते हो सब स्कीम है। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। क्या होता है इस स्कीम में? इस स्कीम में देखो 2-प्रोंग्ड अप्रोच को फॉलो किया जाता है। जो ऑलरेडी गवर्नमेंट फंडेड हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं लेकिन वैकेंट हैं, अभी खाली हैं, उनको कन्वर्ट किया जाएगा अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस में। और इसके लिए कंसेशन एग्रीमेंट साइन होगा 25 सालों के लिए। इसके अलावा दूसरा पॉइंट, अगर देखो कोई प्राइवेट एंटिटी या फिर पब्लिक एंटिटी अपने आप से जो अवेलेबल वैकेंट लैंड है उसे अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में अगर कन्वर्ट करती है 25 सालों के लिए तो काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, जैसे यूज़ परमिशन, 50% एडिशनल फ्लोर एरिया रेशियो, कंसेशनल लोन एट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग रेट्स, टैक्स रिलीफ्स एट पर विद अफोर्डेबल हाउसिंग। ये सब फायदे पहुंचाए जाएंगे उन प्राइवेट और पब्लिक एंटिटीज़ को जो अपने यहाँ वैकेंट लैंड को इन कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट करते हैं। कौन बेनिफिशरी होगा इस स्कीम का? एक बड़ी वर्कफोर्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में काम करती हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइडर, इसके अलावा कंस्ट्रक्शन और दूसरे सेक्टर्स, लेबरर्स, स्टूडेंट्स जो छोटे शहरों से या फिर रूरल एरिया से शहरों में आते हैं काम करने के लिए, उनको इस स्कीम का लाभ मिलेगा।
1,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक के रेंट पर उन्हें रूम या फिर फ्लैट किराए पर मिल जाएगा। ये स्कीम है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट आर्टिकल असीम पोर्टल के बारे में है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉई एम्प्लॉयर मैपिंग। ये पोर्टल क्या करेगा? ये पोर्टल देखो वर्कफोर्स की सप्लाई एंड डिमांड को मैच करेगा। अभी देखो इकोनॉमिक सिचुएशन खराब है, इस वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए हैं, उनकी जॉब चली गई है, वो जॉब्स की तलाश में हैं। दूसरी तरफ शहरों में आपको पता है माइग्रेंट वर्कर्स के जाने से बहुत से उद्योगों को अभी लेबर नहीं मिल पा रही है, तो इस पोर्टल पे दोनों तरह की जानकारी अवेलेबल होगी। वर्कफोर्स की जानकारी भी अवेलेबल होगी, कोई भी अपने आप को रजिस्टर करा सकता है इस पोर्टल पे जाके, वो बता सकता है मेरे पास ये स्किल है, मैंने इस सेक्टर में इतने साल काम किया है। दूसरी तरफ जो उद्योग हैं वो भी लेबर फोर्स को हायर कर सकते हैं पोर्टल पर मौजूद जानकारी की सहायता से। इस पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC के द्वारा बेटर प्लेस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ये पोर्टल है। एम्प्लॉयर्स इस पोर्टल की सहायता से लेबर को हायर कर सकते हैं और लेबर अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं इस पोर्टल पर। एक छोटी सी न्यूज़ है एस्पायर पोर्टल के बारे में, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं है। देखो इस प्रकार के पोर्टल्स तो सरकार बहुत सारे लॉन्च करती हैं, तो संभावना रिलेटिवली कम ही है UPSC इन पोर्टल्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगी। अगर कोई बहुत ज़्यादा तामझाम से कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है तो UPSC पूछ सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्वयं एक पोर्टल है जहाँ पे कोर्सेज मिलते हैं, तो वो पोर्टल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो ऐसे ऐसे पोर्टल के बारे में तो UPSC पूछ ले सकती है। खैर बात करें इस पोर्टल की, इस पोर्टल को डेवलप किया जा रहा है ICAT के द्वारा यानी इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी के द्वारा। इस पोर्टल पर काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स एक मंच पर आएंगे, ताकि जो ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है इसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके। कौन कौन से लोग एक साथ आएंगे? इंडिया की ऑटो इंडस्ट्री के लोग, R&D इंस्टीट्यूशंस, एकेडमिया मतलब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, ये सब एक साथ आएंगे ताकि मिल के R&D की जा सके, टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा सके ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में। इसके अलावा शॉप फ्लोर क्वालिटी वारंटी इश्यूज इन सब को भी रिजोल्व किया जा सके। इस पोर्टल पर कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज होगा यानी चैलेंजेस ऑर्गेनाइज होंगे, ताकि स्टूडेंट्स और इवन यूनिवर्सिटीज़ में फैकल्टीज होती हैं या फिर रिसर्चर्स हैं उनको एंकरेज किया जा सके इंडस्ट्री की डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए, मतलब इंडस्ट्री को जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो डेवलप करने के लिए। तो ये हमने एस्पायर पोर्टल के बारे में बात की। नेक्स्ट आर्टिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अब देखो ये एक्ट फोर्स में आ चुका है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके। दोनों एक्ट्स में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, आप ये स्लाइड देखिए, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। पुराना जो एक्ट था इसमें अलग से एक रेगुलेटर का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन नए एक्ट में अलग से एक रेगुलेटर का प्रोविजन किया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नए एक्ट के अकॉर्डिंग। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर हैं वो कंप्लेंट फाइल कर सकते थे सेलर के अगेंस्ट जहां पे सेलर का ऑफिस है, बट नए एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जहां पर रहता है वहीं पर केस फाइल किया जा सकता है। समझ गए? तो पहले सेलर बड़े चालाक हुआ करते थे, लिख देते थे कि कोई भी विवाद होता है तो ज्यूरिडिक्शन इस कोर्ट की होगी, वो दूरदराज जहां पे उनका ऑफिस है वहां की कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, जहां का कंज्यूमर है वो अपने जिले की कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी। अगर देखो प्रोडक्ट से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो पिछले एक्ट में प्रोविजन ये था कंज्यूमर सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता था इसके लिए, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता था, लेकिन अब कंज्यूमर कंपनसेशन मांग सकता है अगर प्रोडक्ट की वजह से उसे कुछ नुकसान हुआ है या फिर सर्विस की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, और अब कंज्यूमर ऐसा कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। नेक्स्ट, पहले देखो
20 लाख तक का कोई डिस्प्यूट होता था तो उससे संबंधित केस फाइल किया जा सकता था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद अगर 1 करोड़ से लेकर 20 लाख के बीच का कोई डिस्प्यूट था तो मामला फाइल किया जा सकता था कंज्यूमर के द्वारा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में, और 1 करोड़ से ज्यादा का डिस्प्यूट से संबंधित केस फाइल किया जा सकता था नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट हुआ करती थी। लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक का केस फाइल किया जा सकता है, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का, और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ज्यादा। ई कॉमर्स से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं था क्योंकि उस समय ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई ही नहीं थी। उस समय 1986 में तो इंटरनेट भी नहीं आया था ठीक से। उसके बाद अब जो नया एक्ट है इसमें ई कॉमर्स से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं, रूल्स जारी किए गए हैं सेलर्स को। अगर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट, मीडिएशन का कोई प्रोविजन नहीं था पिछले एक्ट में, लेकिन अब कोर्ट जो है वो मीडिएशन के थ्रू मामले को सोल्व करने के लिए आदेश दे सकती है। तो ये डिफरेंस है पिछले एक्ट में और अभी के एक्ट में। अब देखो ये सारी बातें रिटन फॉर्म में हैं, जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टेब्लिश की जाएगी। इसका काम होगा कंज्यूमर के राइट्स को इन्फोर्स करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन इस्टेब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मीडिएशन का प्रोविजन होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी प्रकार की इंजरी या फिर डैमेज के लिए जो कि हुआ है डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कमी के कारण, तो इनको कंपनसेट करना होगा कस्टमर को। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 नोटिफाई किए जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या फिर एंटिटीज हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कैसे कर सकता है, रिफंड का क्या प्रोविजन है, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, कहां से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स एंटिटीज को प्रोवाइड करनी होगी। इसके साथ साथ देखो ई कॉमर्स एंटिटीज को ये एक्नोलेज करना होगा अगर कोई कस्टमर कंप्लेन करता है 48 घंटों के अंतर्गत, इसके बाद 1 महीने के अंतर्गत वो कंप्लेन जो कस्टमर की तरफ से आई है उसका समाधान होना होगा। और इसके लिए ई कॉमर्स एंटिटीज को एक ग्रेवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? आरबीआई ने $400 मिलियन का एक करेंसी स्वैप फैसिलिटी का एग्रीमेंट साइन किया है श्रीलंका के साथ अंडर सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क 2019 से 2022 के अंतर्गत। होता क्या है करेंसी स्वैप फैसिलिटी में, मान लीजिए ये 2 देश हैं इंडिया और श्रीलंका, इन दोनों ने $400 मिलियन का ये करेंसी स्वैप फैसिलिटी एग्रीमेंट साइन किया है। अब कल को देखो श्रीलंका को डॉलर की आवश्यकता है, इन्हें कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है, ऑयल या फिर गोल्ड कुछ भी इन्हें इंपोर्ट करना है, और वो ये डॉलर की सहायता से इंपोर्ट कर सकते हैं। बट श्रीलंका के पास डॉलर है नहीं, तो ये इंडिया को बोलेंगे भैया हमारे बीच में ये जो $400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी है इसके अनुसार हमें आप $400 मिलियन दे दीजिए, बदले में इतनी ही वैल्यू का श्रीलंकन करेंसी हम आपको दे देंगे। और वाइस वर्सा, अगर इंडिया को आवश्यकता है तो इंडिया श्रीलंका से मांग सकता है डॉलर्स और बोल सकता है कि अभी आप इंडियन रूपी में इतना पैसा ले लीजिए और हमें डॉलर दे दीजिए। लेकिन देखो अब आप ध्यान से सुनिएगा, जब ये करेंसी स्वैप होता है ना तो पहले से डिसाइड होता है कि आज तो हम करेंसी स्वैप कर रहे हैं लेकिन कुछ समय बाद, अब वो समय देखो 2 दिन भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 5 साल बाद हम ये ट्रांजेक्शन रिवर्स कर देंगे, मतलब जितना आपने हमें डॉलर दिया था वो डॉलर हम आपको दे देंगे और जितना रुपी आपने हमसे लिया है वो आप हमें वापस लुटा देना, समझ गए? मतलब एक निश्चित समय के बाद करेंसी फिर से स्वैप की जाती है। अब आपके दिमाग में आया होगा इसका फायदा क्या होता है। फायदा देखो ये होता है, मान लीजिए आज डॉलर की कीमत कम है कल को ज्यादा हो जाए तो फिर बढ़ा हुआ पैसा नहीं देना पड़ेगा दूसरे देश को, इंटरेस्ट जरूर देना पड़ता है। मान लीजिए 5 साल बाद प्रिंसिपल अमाउंट को एक्सचेंज किया जाता है ना फिर से,
तो फिर मीनवाइल इन 5 सालों में दोनों देश इंटरेस्ट देंगे एक दूसरे का मार्केट रेट के हिसाब से। तो इसका फायदा यही होता है, एक्सचेंज रेट में जो वोलेटिलिटी आती है उससे दोनों देश फ्री हो जाते हैं। डॉलर की कीमत आज 70 है, 140 हो जाए तो भी 5 साल बाद जिस रेट पे करेंसी स्वैप हुआ है उसी रेट पे पैसा देना पड़ता है, एक दूसरे को लौटाना पड़ता है, दोनों देशों को बढ़ी हुई एक्सचेंज रेट पे नहीं लौटाना पड़ता, बस इंटरेस्ट जरूर चुकाना पड़ता है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया करेंसी स्वैप फैसिलिटी के बारे में। ये कुछ पॉइंट्स हैं आप देख सकते हो इंडिया श्रीलंका रिलेशंस से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम के बारे में है। इसे लॉन्च किया गया था 2 जुलाई 2020 को। इसको किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था? सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की मीटिंग में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया था। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर क्या है? देखो, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, इसको देखिए, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप, ये को चेयर्ड है नीति आयोग और यूएस एड के द्वारा। नीति आयोग हमारी संस्था है और यूएस एड यूएसए की है, तो दोनों के द्वारा को चेयर्ड ये पार्टनरशिप है, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। इस पार्टनरशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर। तो इस सस्टेनेबल ग्रोथ पिलर की मीटिंग हुई थी और इसी में जॉइंट वर्किंग ग्रुप के द्वारा ये इंडिया एनर्जी मॉडलिंग फोरम इस्टेब्लिश किया गया। ये क्या देखेगा ये पिलर? देखो, एनर्जी डेटा मैनेजमेंट, एनर्जी मॉडलिंग, इसके अलावा कोलैबोरेशन होगा लो कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को लेके। ये तीन मेन एक्टिविटीज़ हैं इस पिलर की। कंपोजिशन की बात करें, इसमें नॉलेज पार्टनर होंगे डेटा एजेंसीज और कंसर्न्ड गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज भी होंगी, जैसे हमारे देश में न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री है, उनके रिप्रेजेंटेटिव होंगे। नीति आयोग शुरुआत में इस फोरम की एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा और गवर्निंग स्ट्रक्चर को फाइनलाइज करेगा। वैसे देखो, इंडिया का एनर्जी मॉडलिंग फोरम अभी इस्टाब्लिश हुआ है, लेकिन यूएसए में इस प्रकार का एनर्जी मॉडलिंग फोरम ऑलरेडी इस्टाब्लिश्ड है, बहुत पुराना है, 1976 में इस्टाब्लिश हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। काम क्या है? काम ये है एनर्जी मॉडलिंग एक्सपर्ट्स को कनेक्ट करना, इसके अलावा गवर्नमेंट के डिसीजन मेकर्स, इंडस्ट्री, यूनिवर्सिटीज़ और दूसरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, इन सब को भी आपस में कनेक्ट करना। सिग्निफिकेंस क्या है? ये फोरम देखो एक अनबाइस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर एनर्जी और इन्वायरमेंट से संबंधित जो कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है। अगला आर्टिकल इंडिया का फर्स्ट पब्लिक ईवी चार्ज प्लाजा के बारे में है। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखो, जब भी हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं तो एक चीज हम जरूर डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे देश में तभी ग्रो करेंगे, मतलब तभी ज्यादा बिकेंगे, तभी सड़कों पर ज्यादा दिखेंगे, अगर जगह जगह पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है। तो इसी दिशा में अब यूनियन मिनिस्टर फॉर पावर के द्वारा इंडिया का फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा इस्टेब्लिश किया गया है न्यू दिल्ली में। कहां पर? न्यू दिल्ली में चैम्सफोर्ड क्लब है वहां पर। इसके लिए देखो, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, जिसे हमने फर्स्ट आर्टिकल रेज इनिशिएटिव में डिस्कस किया था, इस बॉडी ने एनडीएमसी के साथ कोलैबोरेट करके ये चार्जिंग वाला पॉइंट इस्टेब्लिश किया है। इस प्लाजा पर 5 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जर्स हैं और वो अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के हैं। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा खजान एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सबसे पहले समझते हैं कि ये है क्या। तो खजान एग्रीकल्चर एक प्रकार का एश्यूरिन एग्रीकल्चरल सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ एश्यूरिन एग्रीकल्चरल सिस्टम का? एश्यूरीज मतलब तो आप समझते होंगे, एश्यूरीज उसको बोलते हैं जहां पर समुद्र का पानी नदियों के मुंह से आके मिलता है, ठीक है, और ये खारा पानी जो ये ब्रैकिश वाटर है ये वापस इस जमीन पर भी कभी कभी चला जाता है अगर इसकी ऊंचाई जो है थोड़ी कम है समुद्री तल से, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता है गोवा के अंदर में भी, इसीलिए गोवा में इससे बचने के लिए खजान एग्रीकल्चरल सिस्टम का यूज करते हैं। इसके अंदर होता क्या है, मान लो कि ये समुद्र है हमारा, समुद्री तल है, और ये है गोवा का लैंड। अब यहां पर इसकी हाइट जो है ना वो थोड़ी कम है, तो इसीलिए कभी भी टाइड्स वगैरह आते हैं
तो इसका ब्रैकिश वाटर सब कुछ यहां चला जाता है और यहीं पर है पैडी फील्ड्स, मतलब जहां पर राइस का कल्टीवेशन होता है। अब जब खारा पानी पैडी फील्ड्स में आ जाता है तो चावल की खेती जो है उसमें नुकसान देखने को मिलता है, चावल का जो फसल है वो खराब हो जाता है। उससे बचने के लिए यहां के लोगों ने एक लोकल खजान प्रैक्टिस स्टार्ट किया। खजान प्रैक्टिस में इन्होंने क्या किया, बंड्स बनाए। बंड्स मतलब BUNDS, यहां पर लोकल मटेरियल से ना इन्होंने ऐसा कुछ पुल बना दिया, ठीक है, कुछ बैराज बना दिए, रोकने वाला कुछ हिसाब किताब बना दिया, जिससे कि होता क्या है कि पानी, और यहां पर एक गड्ढा कर दिया, ठीक है। अब होता क्या है कि ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, वन वे गेटवे सिस्टम है, जब भी टाइड आता है तो इसका पानी इस गेट से अंदर घुसता है और यहां पर इकट्ठा हो जाता है। जब यहां का पानी का लेवल और समुद्री पानी का लेवल जब बराबर हो जाए तो ये गेट अपने आप बंद हो जाता है। अब जैसे ही ये गेट खुलता होगा तो सोचो समुद्र पानी के साथ साथ यहां पर मछलियां और केकड़े ये सब भी आ जाते होंगे, ठीक है। आपको पता ही है गोवा में सी फूड का कल्चर है, मछलियां और केकड़े वहां पर बहुत अच्छे से मिलते हैं और बहुत ज्यादा खाए भी जाते हैं, तो वहां का स्टेपल फूड है राइस और ये फिश वगैरह। तो अब सोचो कि ये एक प्रकार का ऐसा मल्टी फार्मिंग स्ट्रेटेजी हो गया जिससे हमने अपने यहां के चावल के खेत को भी बचा लिया और यहां पर हमने मछली पालन करने के लिए या फिर मत्स्य पालन के लिए हमने फार्मर्स और जो ये हमारे मछुआरे होते हैं दोनों का काम सही कर दिया। तो अब इसमें प्रॉब्लम कुछ ऐसी आ गई थी कि कुछ 1979 के आसपास में कुछ हमारे एग्रीकल्चरल लॉज बने थे जिससे कि मैंग्रोव एरियाज को प्रोटेक्ट करने की बात हो गई थी, तो वहां पर खजान फार्मिंग का जो मेथड है धीरे धीरे डिग्रेड होने लगा, कम होने लगा और अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। तो फिलहाल हमें खजान एग्रीकल्चर से केवल इतना ही समझना था कि ये इंपॉर्टेंट कैसे है और इसको किस तरीके से गोवा में प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो यहां पर हमने क्या समझा कि ये हारमोनियस कोएग्जिस्ट करते थे फार्मर और फिशरमैन, ठीक है। तो ये चीज समझने की बात है। आर्टिकल कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। देखो वैसे तो ये जो पहिया होता है पोटरी के इस्तेमाल में जो यूज होता है, कुम्हार इसे हाथ से घुमाते रहते हैं, लेकिन जब हाथ से घुमाते हैं तो काफ़ी एनर्जी ज़ाया होती है, पहिया धीरे चलता है, प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। आजकल मार्केट में इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स आने लगे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जिन्हें आसानी से रेगुलेट किया जा सकता है और मिट्टी के बर्तनों को एक निश्चित आकार दिया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इसी प्रकार के 100 इलेक्ट्रिक पोटर व्हील्स दिए 100 ट्रेंड आर्टिसंस को इस कुम्हार सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत। क्वेश्चन उठता है किसके द्वारा ये स्कीम चलाई जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए, सेंटर तो अपने आप में बहुत बड़ी गवर्नमेंट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर किसने दिए। देखो ये योजना जो है वो एक इनिशिएटिव है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की, KVIC, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल कुम्हार सशक्तिकरण योजना के बारे में डिस्कस करते हैं। इस योजना का मकसद यही है पोर्टर कम्युनिटी को एम्पावर करना, देश के दूर दराज इलाकों में भी अगर कुम्हार रहते हैं पोर्टर कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें एम्पावर करना, उनको शक्ति प्रोवाइड करना। कवरेज की बात करें यूपी MP महाराष्ट्र जम्मू एंड कश्मीर हरियाणा राजस्थान वेस्ट बंगाल असम गुजरात तमिलनाडु उड़ीसा तेलंगाना बिहार, इन राज्यों में पोर्टर कम्युनिटी को लोगों को एम्पावर किया जाता है। ये थोड़ा अपने आप में वेग है, मतलब आपके मन में भी आया होगा क्या बचे हुए राज्य में ये स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, नहीं इसका मतलब ये नहीं है। इस स्कीम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो विकासपीडिया से लिया गया है, जहां पे सभी स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन होती है वहां पे इन्हीं राज्यों के नाम है, वहां पे ऐसा तो कुछ नहीं लिखा हुआ कि बाकी जो राज्य बच गए हैं वहां पे ये स्कीम इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। उसके बाद एक और वेग स्टेटमेंट है कि 3,000 पर मंथ से इंक्रीज होके पर मंथ इनकम जो है वो इंक्रीज होके हो गई है 12,000 पर मंथ इस स्कीम के अंतर्गत। काफ़ी सारे अच्छे प्रोविजंस हैं इस योजना के अंतर्गत, जैसे एडवांस्ड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स के बारे में पोर्टर्स को जानकारी देना, उनको ट्रेनिंग देना, अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है पोल्ट्री से संबंधित या फिर नया कोई इक्विपमेंट्स आया है जैसे इलेक्ट्रिक चाक, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन देना, मार्केट लिंकेज प्रोवाइड करना, मतलब कुम्हार जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं वो मार्केट में बिकें वो मार्केट में पहुंचें इसकी कोशिश करना, और सबसे लास्ट में KVIC के द्वारा
यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के द्वारा जो एग्जीबिशन लगाया जाता है वहां पे उन प्रोडक्ट्स को दिखाना ताकि जनता पसंद करके उन प्रोडक्ट्स को खरीद सके। अब लास्ट में बात करते हैं KVIC की, यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के एक एक्ट की सहायता से बनाई गई थी। नाम है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन एक्ट 1956। कब बनाया गया था इस बॉडी को? अप्रैल 1957। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। काम क्या है? रूरल एरियाज में खादी या फिर विलेज की जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनको प्रमोट करना, उन्हें फैसिलिटेट करवाना। हेड ऑफिस कहाँ पे है? मुंबई में 6 जोनल ऑफिसेस हैं, दिल्ली में, भोपाल में, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई, गुवाहाटी में। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? इस नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ने एक टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी गठित की है। किसकी अध्यक्षता में? आर नारायण स्वामी की अध्यक्षता में। ये प्रोफेसर हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर के, यानी IIM बेंगलोर के। पहले हम बात करते हैं NFRA की। देखो, ऑडिटिंग से संबंधित जो प्रोफेशन हैं या फिर हमारे देश में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनकी देखरेख के लिए ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर हैं। अकाउंटिंग का मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग से है, जो काम CAs यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है उसकी देखरेख करने के लिए ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर है। कब इसको इस्टेब्लिश किया गया था? इस रेगुलेटर को इस्टेब्लिश किया गया था 2018 में कंपनीज एक्ट 2013 के अंतर्गत। कंपोजिशन की बात करें, एक चेयरमैन, 3 फुल टाइम मेंबर्स और एक सेक्रेटरी हैं इस अथॉरिटी में। यहाँ पे फंक्शंस बताए हुए हैं। देखो, लिस्टेड कंपनीज हों या फिर अनलिस्टेड कंपनीज हों, उनके द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जारी की जाती हैं या फिर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की जाती है लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड कंपनीज के द्वारा, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। वो स्टेटमेंट्स, वो इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। ये इंश्योर करना इस अथॉरिटी का काम है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। इस अथॉरिटी के जो अकाउंट्स हैं उनको ऑडिट किया जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इस अथॉरिटी का? न्यू दिल्ली में। देखो, इस अथॉरिटी के पास पावर्स हैं वो कंपनीज या फिर अनलिस्टेड कंपनीज हों या फिर लिस्टेड कंपनीज हों जिनका पेड अप कैपिटल 500 करोड़ से कम नहीं है, 500 करोड़ से ज़्यादा है, और एनुअल टर्नओवर 1000 करोड़ से ज़्यादा है। ऐसी लिस्टेड कंपनीज हों या फिर अनलिस्टेड कंपनीज हों इनको प्रोब किया जा सकता है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। इवन देखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के मेंबर्स अगर किसी प्रकार का कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हैं कंपनीज की सहायता करने के लिए, मतलब उनके अकाउंट्स में गड़बड़ी करते हैं, तो इस मिसकंडक्ट की इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा। लास्ट में बात करें टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी की जो अभी गठित की गई है। इसमें 7 मेंबर होंगे इंक्लूडिंग चेयरमैन। रोल क्या होगा? रोल ये होगा एडवाइस करना नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को किस इशू पर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के ड्राफ्ट से संबंधित इश्यूज पर। चलते हैं आगे। अगला हमारा आर्टिकल NHAI से संबंधित है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कंटेक्स्ट है कि हमारे देश में विभिन्न हाईवेज को रैंकिंग दी जाएगी NHAI के द्वारा हाईवेज की परफॉर्मेंस के आधार पर। विभिन्न हाईवेज को एसेस करने के लिए जो क्राइटेरिया हैं उसको देखो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हाईवे एफिशिएंसी, इसका 45% वेटेज है। दूसरी कैटेगरी है हाईवे सेफ्टी, इसका 35% वेटेज है। और तीसरे नंबर पर है यूजर सर्विसेज, इनका वेटेज है 20%। और स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसे ऐसे पैरामीटर्स हैं जैसे किसी हाईवे के ऊपर ऑपरेटिंग स्पीड कितना हो सकती है, एक्सेस कंट्रोल कैसा है, एक्सीडेंट रेट कैसी है। ये एग्जांपल्स हैं कुछ पैरामीटर्स के। इसके अलावा देखो, अलग से रैंकिंग दी जाएगी विभिन्न हाईवेज को ये जो मॉडल्स हैं इन्वेस्टमेंट के, फॉर एग्जाम्पल बिल्ट, ऑपरेट, ट्रांसफर, इसके बाद हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल, और सबसे लास्ट में इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। इन मॉडल्स के आधार पर सेपरेट रैंकिंग दी जाएगी हाईवेज को।
देखो अलग से ओनलीआईएस चैनल पे एक वीडियो डाली गई थी इन प्रोजेक्ट्स के बारे में, मतलब इन इन्वेस्टमेंट मॉडल्स के बारे में। आपको टाइम मिले तो वो वीडियो जरूर देखना, क्योंकि ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठता है, बेनिफिट क्या होगा इस प्रकार के विभिन्न हाईवेज को रैंकिंग देने से? इससे देखो विभिन्न हाईवेज की ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, मेंटेनेंस अच्छे से होगी उन हाईवेज की, और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की सर्विसेज यूजर्स को प्रोवाइड की जा सकेगी। अब लास्ट में एक बार हम बात करें NHAI की, पूरा नाम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है ये अथॉरिटी? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। काम क्या है? हमारे देश में नेशनल हाईवेज की डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी NHAI के पास है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ओपन क्रेडिट इनेबलमेंट नेटवर्क के बारे में है। छोटा नाम है OCEN। ये क्या है? ये देखो क्रेडिट कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है। सिंपल भाषा में बात करते हैं, देखो आपको पता है हमारे देश में बहुत बार स्टार्टअप्स की, MSMEs की ये शिकायत होती है, बैंकों के काफ़ी बार धक्के खाने के बाद हमें लोन नहीं मिलता। यही शिकायत स्ट्रीट वेंडर्स की होती है। तो ये जो नेटवर्क होगा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जो कि इंटरेक्शन प्रोवाइड करेगा लेंडर्स के बीच और बोरोअर्स के बीच। लेंडर कौन होते हैं? बैंक्स या फिर NBFC, ये उधार देते हैं ना। और उधार लेता कौन है? स्टार्टअप वाले, MSME वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो सकेगी इस प्लेटफॉर्म पर। और ये सब लोग जो बोरोअर्स हैं, ये देखो डिजिटल लोन हासिल कर सकेंगे। आने वाले समय में डिजिटल लोन जो है काफ़ी ज़्यादा प्रोवाइड किया जाएगा लेंडर्स के द्वारा। इसके बाद प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल प्लेयर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, जिनके पास पैसा होता है या इन्वेस्ट करते हैं, ऐसे लोग भी इस नेटवर्क का पार्ट बन सकेंगे, बैंकों के साथ साथ और NBFCs के साथ साथ। किसके द्वारा ये नेटवर्क डेवलप किया जाएगा? एक थिंक टैंक है, इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री राउंड टेबल, यानी आई स्पिरिट, इसके द्वारा ये नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इसमें काफ़ी सारे की लीडर्स पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक, ये सब लोग, अकाउंट एग्रीगेटर्स APIs का इस्तेमाल करेंगे ताकि एप्लीकेशंस के जवाब में क्रेडिट ऑफर किया जा सके। API का क्या मतलब होता है? API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे देखो आपने कोई वेबसाइट ओपन की, तो अंदर जाने के लिए लॉगिन रिक्वायर्ड है, तो नीचे ऑप्शन लिखा आता है लॉगिन विद Facebook, लॉगिन विद Google। ये एक एग्जांपल है API का। API का मतलब होता है कंप्यूटिंग इंटरफेस, जो इंटरेक्शन करवाता है मल्टीपल सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरीज के बीच। तो ये नेटवर्क ट्रांजैक्शन करवाएगा, इंटरेक्शन करवाएगा अलग अलग सॉफ्टवेयर इंटरमीडियरीज के बीच। जैसे छोटा सा एग्जांपल है, SBI में लोन के लिए किसी ने अप्लाई किया, तो वो रिक्वेस्ट जो है वो दूसरे बैंकों के पास भी पहुंच जाएगी इस नेटवर्क की सहायता से। SEBI के चेयरमैन पहले थे UK सिन्हा, इन्होंने भी रिकमेंड किया था 2019 में इसी प्रकार का नेटवर्क बनाया जाए, इससे बोरोवर्स को काफ़ी फायदा होगा। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल PM स्वनिधि पोर्टल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये देखो उन यूजर्स की मदद करेगा जो PM स्वनिधि स्कीम के बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते हैं। इस PM स्वनिधि स्कीम में क्या है? स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए तक का लोन मिलता है जो लॉकडाउन से प्रभावित हुए हैं। अब देखो ऐसे लोग जो इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं, वो इस पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। उनको एक IT इंटरफेस मिल गया। किसके द्वारा इस पोर्टल को डेवलप किया गया है? SIDBI के द्वारा, जो इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में एक पार्टनर है। जैसा हमने डिस्कस किया, इस पोर्टल पर जाकर स्कीम के बेनिफिशरीज लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, या फिर कॉमन सर्विस सेंटर्स, अर्बन लोकल बॉडीज और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की सहायता से।
अगले 21 महीनों के लिए ये पोर्टल स्कीम की इंप्लीमेंटेशन में मदद करेगा। अगला आर्टिकल हमारा प्री पैक से रिलेटेड है। ये इस बार के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत जनरल टर्म है और इसका मीनिंग थोड़ा सा डीप है, जिसके वजह से यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक बनेगा और इस पे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। प्री पैक को समझने से पहले थोड़े से बैकग्राउंड में हम डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम 2016 की, जहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड इंडिया में आता है, IBC। यहां पर दो टर्म मैंने बोला है, इंसॉल्वेंसी मतलब इंसॉल्वेंट और बैंकरप्सी या फिर बैंकरप्ट। इसका मतलब क्या है? मान लो कोई भी कंपनी या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म या फिर कोई इंडिविजुअल फर्म है, इन लोगों ने कोई बिजनेस किया, कोई प्रोडक्शन हाउस खोला और इन्होंने अपना प्रोडक्शन किया लेकिन घाटे में चले गए, इतना नुकसान में चले गए कि इनके पास एक फूटी कौड़ी नहीं बची है कि अभी आगे लगा सकें। तो उन्होंने बोला कि भाई मैं इंसॉल्वेंट हो चुका हूं, मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, तो मैं जितने भी मुझसे जिन जिन लोगों ने उधारी लिया था मैं नहीं चुका पाऊंगा। बात सीधी सी है। तो ये मतलब होता है इंसॉल्वेंट, मतलब दिवालिया निकल गया इनका। लेकिन बैंकरप्ट का मतलब ये होता है कि अगर किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने ये डिक्लेयर कर दिया कि हाँ ये इंसान सच में दिवालिया है, मतलब कि ये सच में इंसॉल्वेंट है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंकरप्ट हो चुका है। अब ये इस पे मोहर ठप्पा लग गया है कि अब ये हाँ ये बैंकरप्ट है। ठीक है, अब यहां पर बैंकरप्ट होने के बाद प्रॉब्लम ये आती है ना कि जो इनके क्रेडिटर्स थे जिन्होंने इस कंपनी में पैसा लगाया था, उनके पैसे वापस कौन करेगा? अब इसके लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT का गठन किया गया। ये NCLT इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर में ट्राइब्यूनल जैसा काम करता है, केसेस वगैरह देखता है। अब प्रॉब्लम ये थी 2016 से पहले कि ऐसे केसेस का निपटारा करने में 4 से 5 साल लग जाते थे, लेकिन NCLT जब IBC का कोड आया, ये इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड आया, ये बोला गया कि भाई 270 दिन मिलेंगे तुम्हें, केवल इसी में सारा निपटारा कर दो, NCLT इस बात का पूरा ध्यान रखेगा। तो अब यहां पर ये हुआ कि 270 दिन मिले केवल, लेकिन अब चूंकि इस टाइम पर COVID-19 का फेज है जहां पर लोगों के फेल होने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए हैं, तो इन दिनों में जो 270 दिन लगते थे उसको भी कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि NCLT, और दूसरी बात यह भी है कि बहुत सारे केसेस NCLT पर ना पहुंचे, बाहर ही निपटारा हो जाए। तो इसीलिए यहां पर प्री पैक का एक प्रोविजन लेके आया गया। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने एक कमेटी का गठन किया है और उन्होंने ये बोला है कि भाई जो आज का इंसॉल्वेंसी रिजीम चल रहा है, क्या हम उसमें प्री पैक जैसे प्रोविजंस को इंक्लूड कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी है? तो इसीलिए कमेटी गठित कर दी गई है, अभी बनाया नहीं गया, बस पूछा गया कि है पॉसिबिलिटी है कि नहीं है। तो अब इसमें होगा क्या? अब देखो, जो भी क्रेडिटर्स थे उनको पैसे चाहिए, अब ये हो चुके हैं इंसॉल्वेंट, पैसे मिलेंगे कैसे? जो इनकी कंपनी थी, जो इन्होंने मशीन्स वगैरह खरीदे थे सबको बेच दो और बेचने के बाद जो पैसे आए उन क्रेडिटर्स के भरपाई कर दो। लेकिन अब इसको खरीदने वाले भी तो होने चाहिए, कोई बायर्स होने चाहिए यहां पर। ठीक, तो जो प्री पैक है ना, वो NCLT से परमिशन लेने के बाद ये क्रेडिटर्स और ये जो बायर्स हैं ये NCLT के बाहर ही एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं कि भाई तुम खरीद रहे हो, ठीक है तुम खरीद लो, जो पैसा इसको मिलेगा उस पैसे से हम अपना चुकता जो भी होगा वो हम ले लेंगे इनसे। तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, इससे क्या होता है कि शॉर्टकट मिल जाता है, NCLT में कोई मुद्दा जाता नहीं है, ये दोनों आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं और ये जल्दी से जल्दी ऐसे इंसॉल्वेंसी को हम लोग तुरंत के तुरंत नीलामी कर देते हैं इनकी और पैसे सबको मिल जाते हैं। तो इसीलिए प्री पैक्स का गठन किया गया। प्री पैक्स क्या है? कुछ नहीं है, बस क्रेडिटर और बायर के बीच का एक एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि ऐसे डिस्ट्रेस्ड कंपनी को जिसका दिवालिया घोषित हो चुका है, जिसके पास पैसे ही नहीं है, उनको क्रेडिटर्स को कैसे पैसे लौटाए जाए उनके लिए बनाया गया है। बात समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा था प्री पैक्स। यहां पर हमने बात की NCLT की, तो यहां पर ये जो एग्रीमेंट है NCLT से पूछे बिना ये एग्रीमेंट नहीं हो सकता है। फायदा ये होगा कि सेल स्पीड बढ़ जाएगी प्री पैक के होने से, हाई रिटर्न मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि भाई अगर यही प्रॉपर्टी आज वैसे ही बर्बादी के कगार पर है, अगर 4-5 साल बेचने में ही लग जाए तो पता चला 4-5 साल जो इसमें 2,000-5,000 रुपए मिलने वाले थे, पता चला 100 रुपए मिल रहे हैं उसके जगह पर, ठीक है। तो इसीलिए स्पीड का होना बड़ा जरूरी है। तो ये तो फायदा हो गया, लेकिन कुछ नुकसान भी है। नुकसान इसलिए है क्योंकि इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो जाएगी। अभी तक तो ओपन बिडिंग होती थी, कोई 2,000 रुपए दे सकता था या फिर कोई 5,000 रुपए दे सकता था, कोई 10,000 रुपए तक भी दे सकता था, तो ओपन बिडिंग होती, अच्छा दाम मिलता। लेकिन अब तो फिक्स हो गया पहले से ही, तो यहां पर एक ट्रांसपेरेंसी कम हो चुकी है। इसके अलावा जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं केवल उनको ही पैसा मिल रहा है, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो केवल क्रेडिटर्स और बायर्स के बीच में है। मान लो जो इन्होंने मान लो कहीं से सामान खरीदा होगा, मान लो कि इनका काम है कुछ मसाले बनाना, तो मसालों के लिए केरला से कुछ ये लकड़ियां वगैरह लेके आए होंगे, तो उनको पैसे कौन देगा? वो भी तो पैसे चाहते हैं ना, तो उनको पैसे तो मिल नहीं रहे हैं इस चीज से। तो इसीलिए प्री पैक्स का कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स भी मिलता है। यहां पर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड का भी गठन हुआ है।
ये अक्टूबर 2016 में, पहला अक्टूबर मतलब 1 अक्टूबर 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के अंदर में इस बोर्ड का गठन किया गया था। इसका मतलब यही था कि टाइम बाउंड मैनर में हम लोग कंपनीज, पार्टनरशिप और इंडिविजुअल बिजनेसेस को हम लोग इंसॉल्वेंट घोषित करने के बाद क्रेडिटर्स को पैसे जल्दी से दे देंगे। रेवा सोलर प्लांट के बारे में हम क्या कंटेस्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के रेवा में रेवा सोलर प्लांट का इनॉग्रेशन किया जिसकी कैपेसिटी है 750 मेगावाट। दावा यह किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये एशिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोजेक्ट है, लेकिन इस दावे को लेके एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। कुछ लोगों के द्वारा कहा गया कर्नाटक के पवागढ़ में जो सोलर पावर प्रोजेक्ट है उसकी कैपेसिटी है 2050 मेगावाट, तो फिर ये रेवा सोलर प्लांट एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्रोजेक्ट कैसे हो गया। अभी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से क्लैरिफाई नहीं किया गया है कि किस एस्पेक्ट से ये जो रेवा सोलर प्लांट है वो एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट है। खैर हम इंफॉर्मेशन डिस्कस कर लेते हैं इस सोलर प्लांट के बारे में, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया है, रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के द्वारा। ये देखो एक जॉइंट वेंचर कंपनी है, किस किस की, ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI, ये एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन दोनों की जॉइंट वेंचर कंपनी है रेवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड, इसी कंपनी ने यह रेवा सोलर प्लांट डेवलप किया है। कैपेसिटी जैसा हमने डिस्कस किया 750 मेगावाट है, 1500 हेक्टेयर में ये सोलर पार्क फैला हुआ है, 250 मेगावाट की 3 सोलर जनरेटिंग यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट 500 हेक्टेयर में फैली हुई है। सिग्निफिकेंस की बात करें, देखो ये पहला सोलर पार्क है इंडिया में जिसको फंडिंग प्राप्त हुई है वर्ल्ड बैंक से। इसके अलावा ये पहला प्रोजेक्ट है इंडिया में जिसे क्लीन टेक्नोलॉजी फंड से फंडिंग प्राप्त हुई। अभी और में मायनों में ये पहला प्रोजेक्ट है, दो चीज़ें और हैं। देखो ये फर्स्ट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट है जो स्टेट के बाहर इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को एनर्जी सप्लाई करेगा। किसको, इस प्रोजेक्ट से दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाएगी। अभी तक देखो ऐसा कोई रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट नहीं है जो अपने स्टेट से बाहर किसी इंस्टीट्यूशनल कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो, तो इस मायने में ये पहला रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट होगा जो अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे कस्टमर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा। इसके बाद ग्रिड पैरिटी बैरियर को भी ब्रेक करने वाला ये पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ग्रिड पैरिटी बैरियर का क्या मतलब होता है, जब देखो अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स पावर जनरेट करता है उस कोस्ट पर जो कि दूसरे सोर्सेज से जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिसिटी कोस्ट से कम है, तो मतलब ग्रिड पैरिटी बैरियर जो है वो ब्रेक हो गया है, तो ये सोलर प्लांट काफ़ी सस्ती इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा जो बाकी सोर्सेज से जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से या फिर थर्मल प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उससे कम कॉस्ट पर जनरेट होगी इस सोलर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी, तो इसलिए ग्रिड पैरिटी बैरियर ब्रेक हो गया है और ऐसा करने वाला ये पहला प्रोजेक्ट है, पहला सोलर प्रोजेक्ट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ध्यान में रखने की आवश्यकता है ताकि क्वेश्चन आने पर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रहे। इम्पैक्ट की बात करें वैसे ये कोई पूछने वाला है नहीं, इस प्रोजेक्ट के बनने से 15.4 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड कम जनरेट होगा हर एक साल। लास्ट में क्लीन टेक्नोलॉजी फंड की हम बात कर लेते हैं। देखो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत दो फंड आते हैं, मैं फिर से बोलता हूँ, क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंतर्गत दो फंड आते हैं, एक तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड जिससे पैसा मिला है इस रेवा सोलर प्लांट को, और दूसरा फंड आता है स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड SCF। एम क्या है क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का, एम देखो वही है जो लो कार्बन टेक्नोलॉजीज हैं उनको डिप्लॉय करने के लिए पैसा देना ताकि ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को कम किया जा सके। वर्ल्ड बैंक ट्रस्टी है इस क्लीन टेक्नोलॉजी फंड का। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सैटेलाइट टाउन रिंग रोड के बारे में है, क्या कंटेस्ट है।
देखो, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी ने ये रिकमेंड किया है कि सेटेलाइट टाउन रिंग रोड की डेवलपमेंट को इन्वायरमेंट क्लियरेंस दे दिया जाए। ये तस्वीर में जो आप सेटेलाइट रिंग रोड देख रहे हो, इसको लेके विवाद था, काफ़ी एक्सपर्ट्स इसका विरोध कर रहे थे। अब इन्वायरमेंट क्लियरेंस देने की बात कही गई है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी के द्वारा। ये देखो, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर है जो दो स्टेट से होकर गुजरता है, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये कॉरिडोर भारतमाला परियोजना का पार्ट है जिसे इंप्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। अगर बात करें भारतमाला परियोजना की, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का अमरीला इनिशिएटिव है। एम ये है, एक तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करना। ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था 1998 में। इसके साथ साथ नए इनिशिएटिव्स जैसे रोड्स को डेवलप करना बेटर कनेक्टिविटी के लिए, ये सब चीज़ें आती हैं भारतमाला परियोजना के अंतर्गत। कौन इसे इंप्लीमेंट कर रहा है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काम दिया गया है इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने के लिए। चलते हैं आगे, श्योरिटी बॉन्ड्स के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। जो इंश्योरेंस रेगुलेटर हैं IRDAI, इन्होंने देखो एक पैनल गठित किया है जी श्रीनिवासन की अध्यक्षता में। ये नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी के डायरेक्टर हैं। ये पैनल काम क्या करेगा? ये पैनल काम करेगा कि हमारी जो इंडियन इंश्योरेंस इंडस्ट्री है या फिर कोई दूसरा सेक्टर अगर श्योरिटी बॉन्ड्स ऑफर करता है देश में रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, तो क्या ये सूटेबल है या फिर नहीं है। श्योरिटी बॉन्ड होते क्या हैं, हम एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए तीन लोग हैं, एक का नाम है P, एक का नाम है O, एक का नाम है S। P को कुछ पैसों की आवश्यकता है, O के पास पैसे हैं। O P को पैसे देने के लिए तो तैयार है, बट देखो O को डर लगता है कि कहीं P ने अगर पैसे नहीं लौटाए समय पर तो नुकसान हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में S की एंट्री होती है। S बोलता है O को कि हम गारंटी लेते हैं, हम श्योरिटी लेते हैं कि P आपसे जो पैसे ले रहा है वो लौटा देगा। अगर P ने नहीं लौटाए तो इनकी जगह हम लौटाएंगे। समझ गए? मतलब S ने श्योरिटी ले ली और बाद में जो P है जिसने पैसे लिए थे नहीं लौटाए, वो अपने आप S को लौटाता रहेगा जो भी इन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड की हैं उनके अनुसार। ये होते हैं श्योरिटी बॉन्ड। ये तो चलो हमने पैसों के एग्जाम्पल से समझा। आप रोड कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल मान लीजिए, P ने बोला कि एक साल के अंदर अंदर मैं रोड बनाऊंगा A से लेके B के बीच में। रोड इस क्वालिटी का होगा, काफ़ी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड हुई हैं और O ने सर्विस दी है P को, लेकिन S के साथ श्योरिटी बॉन्ड साइन हुआ है, मतलब गारंटी बीच में S की है। अगर एक साल के अंदर अंदर A से लेके B के बीच में P के द्वारा रोड नहीं बनाया जाता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया जाता है, तो कंपनसेशन दिया जाएगा S के द्वारा O को, क्योंकि P की गारंटी किसने ली हुई है? S ने। श्योरिटी बॉन्ड साइन हुआ है S के साथ। तो ये श्योरिटी बॉन्ड के बारे में हमने डिस्कस किया। रोड इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है श्योरिटी बॉन्ड, क्योंकि ये एक प्रकार से श्योरिटी देता है प्रोजेक्ट जो है एक निश्चित सीमा में पूरा हो जाएगा और रिक्विजिट क्वालिटी के साथ। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड के बारे में है, क्या कंटेस्ट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने 81 प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया है इस स्वामी फंड के अंतर्गत। इस फंड का पूरा नाम है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड। ये फंड कब इस्टेब्लिश किया गया था? 2019 में। किस लिए? देखो, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं जो रुके हुए हैं, जो रेरा रजिस्टर्ड हैं, जहां पे अफोर्डेबल हाउसिंग को परचेज किया जा सकता है, लेकिन फंड्स की कमी की वजह से ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को लोन देने के लिए ये फंड इस्टेब्लिश किया गया था। इस फंड का टारगेट कॉर्पस है 12,500 करोड़, लेकिन 12,500 करोड़ का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। इसका क्या मतलब है?
देखो जो अंडरराइटर होता है, अंडरराइटर का काम ये होता है एक प्रकार से गारंटी लेना। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई शेयर रिलीज किए हैं, अपना आईपीओ रिलीज किया है, तो अंडरराइटर इंश्योरेंस दे देता है कि भैया आपके शेयर्स अगर किसी ने नहीं परचेज करे तो हम परचेज कर लेंगे। तो ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब ये होता है, मान लीजिए जो शेयर्स मार्केट में रिलीज किए गए हैं, डिमांड जितने शेयर्स रिलीज किए गए हैं उससे भी ज़्यादा आ जाती है, तो फिर पहले जितना सोचा गया था कि इतने शेयर बेचे जाएंगे उससे भी ज़्यादा शेयर बेचे जा सकते हैं, इस चीज़ को कहा जाता है ग्रीन शू ऑप्शन। यहाँ पर देखो ये एक प्रकार से ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन होता है, मतलब शेयर्स की डिमांड ज़्यादा आ गई तो पहले जितने शेयर्स को बेचने का प्लान किया गया था उससे भी ज़्यादा शेयर्स बेचे जा सकते हैं इस ग्रीन शू ऑप्शन के अंतर्गत। इन्वेस्टमेंट मैनेजर कौन है इस फंड का? SBI कैप ये इन्वेस्टमेंट मैनेजर है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक सब्सिडरी है, इसका पूरा का पूरा जो मालिकाना हक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ही है। स्पॉन्सर कौन है? सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से स्पॉन्सर है इस फंड का। सबसे लास्ट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है इस फंड में? तो ये लिस्ट है इन्वेस्टर्स की, ग्लोबल पेंशन फंड्स, प्रोविडेंट फंड्स, डोमेस्टिक पेंशन फंड्स, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, कैश रिच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और दूसरे प्राइवेट इन्वेस्टर्स, ये सब इन्वेस्ट कर सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट फंड में। नेक्स्ट आर्टिकल कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 से संबंधित है। क्या कंटेस्ट है? अब देखो ये एक्ट फोर्स में आ चुका है पुराने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 को रिप्लेस करके। दोनों एक्ट्स में काफ़ी सारे डिफरेंस हैं, आप ये स्लाइड देखिए, डिफरेंस आपको क्लियर हो जाएंगे। पुराना जो एक्ट था इसमें अलग से एक रेगुलेटर का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन नए एक्ट में अलग से एक रेगुलेटर का प्रोविजन किया गया है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा नए एक्ट के अकॉर्डिंग। पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग जो कंज्यूमर हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते थे सेलर के अगेंस्ट जहां पे सेलर का ऑफिस है, बट नए एक्ट के अकॉर्डिंग कंज्यूमर जहां पर रहता है वहीं पर केस फाइल किया जा सकता है, समझ गए? तो पहले सेलर बड़े चलाक हुआ करते थे, लिख देते थे कि कोई भी विवाद होता है तो ज्यूरिडिक्शन इस कोर्ट की होगी, वो दूर दराज जहां पे उनका ऑफिस है वहां की कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन दे देते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, जहां का कंज्यूमर है वो अपने जिले की कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल कर सकता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट लायबिलिटी, अगर देखो प्रोडक्ट से किसी प्रकार का नुकसान हुआ है तो पिछले एक्ट में प्रोविजन ये था कंज्यूमर सिविल कोर्ट में अप्रोच कर सकता था इसके लिए, लेकिन कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच नहीं कर सकता था, लेकिन अब कंज्यूमर कंपनसेशन मांग सकता है अगर प्रोडक्ट की वजह से उसे कुछ नुकसान हुआ है या फिर सर्विस की वजह से कुछ नुकसान हुआ है, और अब कंज्यूमर ऐसा कर सकता है कंज्यूमर कोर्ट में जाके। नेक्स्ट, पहले देखो 20 लाख तक का कोई डिस्प्यूट होता था तो उससे संबंधित केस फाइल किया जा सकता था डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट में। उसके बाद अगर 1 करोड़ से लेकर 20 लाख के बीच का कोई डिस्प्यूट था तो मामला फाइल किया जा सकता था कंज्यूमर के द्वारा स्टेट कंज्यूमर कोर्ट में, और 1 करोड़ से ज्यादा का डिस्प्यूट से संबंधित केस फाइल किया जा सकता था नेशनल लेवल पे जो कंज्यूमर कोर्ट हुआ करती थी, लेकिन अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक का केस फाइल किया जा सकता है, स्टेट लेवल पे 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का, और नेशनल लेवल पे 10 करोड़ से ज्यादा। ई कॉमर्स से संबंधित कोई प्रोविजन नहीं था क्योंकि उस समय ई कॉमर्स वेबसाइट्स आई ही नहीं थी, उस समय 1986 में तो इंटरनेट भी नहीं आया था ठीक से। उसके बाद अब जो नया एक्ट है इसमें ई कॉमर्स से संबंधित प्रोविजंस किए गए हैं, रूल्स जारी किए गए हैं सेलर्स को, अगर आप ऑनलाइन सामान बेच रहे हो तो आपको इन गाइडलाइंस को फॉलो करना जरूरी है। नेक्स्ट, मीडिएशन का कोई प्रोविजन नहीं था पिछले एक्ट में, लेकिन अब कोर्ट जो है वो मीडिएशन के थ्रू मामले को सोल्व करने के लिए आदेश दे सकती हैं। तो ये डिफरेंस है पिछले एक्ट में और अभी के एक्ट में। अब देखो ये सारी बातें रिटन फॉर्म में हैं,
जैसे सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी इस्टाब्लिश की जाएगी। इसका काम होगा कंज्यूमर के राइट्स को इन्फोर्स करना, प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडरेशल कमीशन इस्टाब्लिश किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। मीडिएशन का प्रोविजन होगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट लाइबिलिटी की बात करें, मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर या फिर प्रोडक्ट सेलर, ये रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी प्रकार की इंजरी या फिर डैमेज के लिए जो कि हुआ है डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फिर सर्विस में कमी के कारण, तो इनको कंपनसेट करना होगा कस्टमर को। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2020 नोटिफाई किए जाएंगे इस एक्ट के अंतर्गत। जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं या फिर एंटिटीज हैं, उनको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी कस्टमर्स को, जैसे कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न कैसे कर सकता है, रिफंड का क्या प्रोविजन है, एक्सचेंज, वारंटी एंड गारंटी, डिलीवरी, शिपमेंट, कहां से प्रोडक्ट ओरिजिनेट हुआ है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन ई कॉमर्स एंटिटीज को प्रोवाइड करनी होगी। इसके साथ साथ देखो, ई कॉमर्स एंटिटीज को ये एक्नोलेज करना होगा अगर कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है 48 घंटों के अंतर्गत, इसके बाद एक महीने के अंतर्गत वो कंप्लेंट जो कस्टमर की तरफ से आई है उसका समाधान होना होगा। और इसके लिए ई कॉमर्स एंटिटीज को एक ग्रेवेंस ऑफिसर को भी अपॉइंट करना होगा। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल वलरपदम टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है कोचीन पोर्ट में? जो वलरपदम टर्मिनल है, इसकी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को रिव्यू किया गया मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। ये देखो, हमारे देश का फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। कहाँ पर है ये? कोची पोर्ट देखो केरला में है, और इसी का पार्ट है ये वलरपदम टर्मिनल। ये वलरपदम आइलैंड में लोकेटेड है। वैसे आप एक बात बताइए, ट्रांसशिपमेंट का क्या मतलब होता है? ट्रांसशिपमेंट, मान लीजिए कोई वेसल यानी कोई शिप सामान को लेके जा रहा है ए लोकेशन से लेके सी लोकेशन तक, बीच में एक लोकेशन है बी। शिप देखो सीधा ए से सी पर जाने के बजाय पहले बी पर जाता है। यहाँ पे वेसल चेंज होता है, यानी इस शिप में जो सामान मौजूद है इससे सामान निकलता है, किसी दूसरे शिप पर लोड होता है, बाद में वो दूसरा शिप सामान लेके जाता है सी तक। इसे कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। मतलब सामान सीधा ए से सी पर नहीं गया, बीच में किसी दूसरे वेसल में सामान को शिफ्ट किया गया और वो शिप फाइनली सामान को लेके पहुंचा फाइनल डेस्टिनेशन पर। इसे कहा जाता है ट्रांसशिपमेंट। तो ये जो देश का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, यहां पर क्रेन लगी होंगी बड़ी बड़ी। क्रेन का काम करेंगी, पहले वाले शिप से सामान उतारेंगी और फिर वही क्रेन नए शिप में सामान लोड करेंगी और वो दूसरे वाला शिप फाइनल डेस्टिनेशन पर सामान लेके जाएगा। ये प्रपोज्ड टर्मिनल देखो साउथ एशिया का एक लीडिंग ट्रांसशिपमेंट हब होगा। और अभी हमारी जो डिपेंडेंस है दूसरे देशों के पोर्ट्स के ऊपर, जैसे श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट, दुबई में जेबल अली और मलेशिया में पोर्ट कलंग, इनके ऊपर हमारी डिपेंडेंस है कंटेनर कार्गो को सेंड करने के लिए और रिसीव करने के लिए। ये डिपेंडेंस हमारी कम होगी, हमारा टाइम बचत होगा और हमारे जो एक्सपोर्टर्स या फिर इम्पोर्टर्स हैं उनको कम कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया वलरपदम टर्मिनल ऑफ कोचीन पोर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल जोरम मेगा फूड पार्क के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? एक सेकेंड रुकिए। कंटेक्स्ट ये है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने जोरम मेगा फूड पार्क लिमिटेड का इनाग्रेशन किया मिजोरम में कोलासिब में। देखो ये पहला मेगा फूड पार्क है जो कि ऑपरेशनलाइज हुआ है स्टेट ऑफ मिजोरम में। ये नेशनल हाईवे नंबर 54 के पास लोकेटेड है। इससे 5,000 पर्संस को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और 25,000 के आसपास किसानों को फ़ायदा होगा। देखो बात करें मेगा फूड पार्क स्कीम के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है 2008 से। इस स्कीम में मैक्सिमम 50 करोड़ की ग्रांट दी जाती है
मेगा फूड पार्क इस्टाब्लिश करने के लिए, और ये मेगा फूड पार्क कम से कम 50 एकड़ के लगातार लैंड में होना चाहिए। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट का 50% ग्रांट के तौर पे दिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इम्प्लीमेंटेशन की बात करें, स्पेशल पर्पस व्हीकल इम्प्लीमेंट करता है मेगा फूड पार्क को, यानी इसे ऑपरेट करता है। स्पेशल पर्पस व्हीकल एक कंपनी होती है जो रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट में। मेगा फूड पार्क काम कैसे करता है, देखो, ये सीसी हैं, कलेक्शन सेंटर्स हैं, किसानों की फसल है, किसानों की फसल आई यहाँ पर सबसे पहले कलेक्शन सेंटर्स में। कलेक्शन सेंटर्स में कुछ नहीं हुआ, सिर्फ किसानों से फसलों को इकट्ठा कर लिया गया। उसके बाद इन कलेक्शन सेंटर से इकट्ठा होकर फसल जाएगी पीपीसी के पास, यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स के पास। यहाँ पे देखो थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग होगी फसलों की, जैसे फसलों को अलग अलग किया जा सकता है क्वालिटी के आधार पर, प्री कूलिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है। तो सभी पीपीसी से, यानी प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर से क्रॉप्स आएंगी मेगा फूड पार्क में। यहाँ पर सारी प्रकार की प्रोसेसिंग होगी, जो भी वैल्यू एडिशन करना है वो यहाँ पर होगी, और यहाँ से फिर जो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स हैं वो जाएंगे, एक्सपोर्ट करना है तो एक्सपोर्टर उनको एक्सपोर्ट कर सकता है, देश के दूसरे हिस्सों में भेजना है तो देश के दूसरे हिस्सों में भेजा जा सकता है। तो मॉडल इस प्रकार से काम करता है। ये सभी स्पोक्स हैं, ये हब हैं, हब में सारी चीज़ें आती हैं प्रोसेसिंग के लिए। प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग करता है, ज़्यादा नहीं, और कलेक्शन सेंटर में सिर्फ क्रॉप्स जो हैं वो कलेक्ट होती हैं फार्मर ग्रुप से। तो ये हमने बात की मेगा फूड पार्क मॉडल की। नेक्स्ट आर्टिकल, मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट। यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि गवर्नमेंट को अभी अपने डेफिसिट को मोनेटाइज कर देना चाहिए। एंड इनफैक्ट हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर, जिनका नाम है सी रंगाराजन, इनका भी सजेशन यही है कि गवर्नमेंट को मोनेटाइज करना चाहिए डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। सपोज आपकी मंथली इनकम है 100 रुपये और आपके मंथली एक्सपेंसेस है 120 रुपये, यानी आप 20 रुपये घाटे में हो, राइट? लेकिन जब हम गवर्नमेंट के डेफिसिट की बात करते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, हम इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं, कि गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट की इनकम से बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कहलाती है फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, हमने मान लिया कि गवर्नमेंट के ज़्यादा खर्चे होते हैं, हर बार इसी तरह से होता है क्योंकि इन्हें करना पड़ता है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि गवर्नमेंट को अपनी इनकम से ज़्यादा बियॉन्ड जाकर एक्सपेंडिचर्स करना पड़ता है। अब डेफिसिट से बाहर कैसा निकले, उसके लिए दो ऑप्शन है। एक तो गवर्नमेंट मार्केट से उधार लेगी, दूसरा आरबीआई के थ्रू डेफिसिट को मोनेटाइज कर दिया जाता है। पहले में आता है गवर्नमेंट किसी भी तरह से बोरो करेगी मार्केट से, ये शॉर्ट टर्म भी लोन्स हो सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म भी लोन्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे दूसरे में क्या आता है, देखिए हम यहाँ सेकेंड को एनालाइज करेंगे, दैट इज मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट थ्रू आरबीआई। यही आर्टिकल दिया गया है, वही आर्टिकल को एनालाइज करेंगे ये पूरे डिस्कशन में। अब ये फिस्कल डेफिसिट को मोनेटाइज करने का क्या मतलब है, देखिए आप यहां पर डेट नहीं लोगे, इंस्टेड ऑफ डेट खर्च लेने के बदले आप क्या करोगे, आप अपने पैसे खुद क्रिएट करोगे। और हमें तो पता ही है पैसे कहां से क्रिएट होते हैं, पैसे आरबीआई से क्रिएट होते हैं, आरबीआई छापती है करेंसी, राइट? यहां पर देखना आप, इन सिंपल वर्ड्स, मोनेटाइजेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट्स इन्वॉल्व्स द फाइनेंसिंग ऑफ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस विद मनी, और ये मनी कहाँ से आएगा, आरबीआई से आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो आरबीआई जो है वो मोनेटाइजेशन दो तरह से करेगा, टू मोडालिटीज में। एक में आता है डायरेक्ट मोनेटाइजेशन, दूसरे में आएगा इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन। मैं चाहता हूँ डायरेक्ट मोनेटाइजेशन और इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन को समझने से पहले आप प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है ये समझ लें। देखिए प्राइमरी मार्केट क्या होती है, प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होती है जहां पे सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम एक कंपनी एनलिस्ट करती है, बाहर निकालती है, कि अभी अभी इन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की है, इन लोग को पैसों की जरूरत होती है कि पब्लिक इनके शेयर्स खरीद कर इन्हें पैसे दे दे, राइट? ये होता है प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जाम्पल इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये आ सकता है प्राइमरी मार्केट में। क्या है ये इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कंपनी सेल्स न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, याद रहे आप न्यू स्टॉक्स और बॉन्ड्स कह रहा हूं मैं, टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, सच एज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग,
ये प्राइमरी मार्केट होती है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी स्टॉक्स रखे हुए हैं पब्लिक के नजर में और ये बस स्टॉक को खरीदना होगा। जैसा कि स्टॉक कहां पे एनलिस्ट करते हैं हम, बीएसई में, एनएसई में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नजदाक एटसेट्रा। यहां पे इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे स्टॉक्स का। तो ये क्या है, सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट क्या है, ये वो मार्केट है जहां पे सिक्योरिटीज क्रिएट किए जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटीज या स्टॉक्स ट्रेड किए जाते हैं बाय द इन्वेस्टर्स। अब आइए ये समझते हैं, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में आरबीआई न्यू करेंसी प्रिंट करती है और गवर्नमेंट अपने बॉन्ड्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करके आरबीआई से पैसे लेती है। तो ये क्या है, डायरेक्ट मोनेटाइजेशन है। इस तरह से मोनेटाइजेशन होगा जो डेफिसिट है वो। और इसी तरह से और एक चीज भी आ रही है आपके मन में कि आरबीआई जब प्रिंट करता है मनी डेफिसिट को रुकाने के लिए, उसको हेलीकॉप्टर मनी भी कहते हैं। हाँ, दोनों में डिफरेंस ये है, हेलीकॉप्टर मनी में और डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में। डायरेक्ट मोनेटाइजेशन में आप गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स रखती है आरबीआई के पास, हेलीकॉप्टर मनी में ऐसा नहीं होगा, बॉन्ड्स वगैरह नहीं रखती है गवर्नमेंट। अब इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन क्या है, इनडायरेक्ट मोनेटाइजेशन ये एक तरह का मेथड है जहां पे गवर्नमेंट अपने जो बॉन्ड्स है वो एनलिस्ट करती है, डायरेक्टली आरबीआई परचेस नहीं करती है, आरबीआई को सेल नहीं करती है, क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में रखती है और यहां से लोग आके खरीदते हैं। मतलब ऑब्वियसली आरबीआई आएगा, आरबीआई आके ये बॉन्ड्स को परचेस करेगा। लेकिन आरबीआई क्या कर रहा है, आरबीआई सेकेंडरी मार्केट से उठा रहा है ये बॉन्ड्स को। और इस तरह की चीजों को क्या कहते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। अब देखिए हिस्ट्री में क्या हम मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट किए हैं, क्या पास में हमने कभी मोनेटाइज किया है इस तरह का डेफिसिट? जी हाँ, 1997 से ही इंडिया ने मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी थी, जहां पे सेंट्रल बैंक ऑटोमेटिकली मोनेटाइज करता था गवर्नमेंट के डेफिसिट थ्रू द इश्यूएंस ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स। 1994-1997 में गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में दो अग्रीमेंट साइन हुए थे, वहां पे ये बताया कि देखिए एडहॉक ट्रेजरी बिल्स का फेज आउट कर देंगे, कि हम इस तरह से आपके डेफिसिट को मोनेटाइज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद में एक एक्ट आता है, FRBM एक्ट 2003, FRBM यानी फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जहां पे आरबीआई को कंप्लीटली बार कर दिया गया, प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट को आप पैसे नहीं देना, लेकिन अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस इस तरह का स्टेप ले सकता है सेंट्रल बैंक, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्लॉज है। स्पेशल सर्कमस्टेंसेस जैसा COVID-19 पैंडेमिक आ जाना, ये स्पेशल सर्कमस्टेंसेस है, यहाँ पे इस तरह का मोनेटाइजेशन कर सकता है आरबीआई, इवन इफ इट इज नॉट देयर इन एक्ट, क्योंकि वहां पे एक एक्सेप्शन क्लॉज बनाया गया है इस तरह के सिचुएशंस को डील करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल, सस्पेंशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोर्ट और आईबीसी। देखिए, आप जब किसी को लोन देते हैं और सामने वाला बंदा आपका लोन चुका ही नहीं रहा, तो आप आईबीसी के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए वो बंदे को ट्रिब्यूनल में ले जा सकते हो। चाहे आप कंपनी हो या फिर कोई इंडिविजुअल, आप ये बंदे पर केस कर सकते हो। और इसके अंदर जो प्रोविजंस है वो थोड़े से हार्श है। अब हम इन हार्श प्रोविजंस को COVID-19 के क्राइसिस के वक्त में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी वजह से एक ऑर्डिनेंस पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि एक अमेंडमेंट लेकर आएंगे आईबीसी में, क्योंकि ये आईबीसी रिलीफ प्रोवाइड करेगा। जिस तरह से हार्श रूल्स है आईबीसी में के लोन वसूले जाएंगे, तो इसी तरह से ये अमेंडमेंट रिलीफ लेकर आएगा कॉरपोरेट्स को। पैंडेमिक में और सब्सिक्वेंट लॉकडाउन भी चल रहा था, तो पैंडेमिक और लॉकडाउन के चलते चलते इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह से प्रभावित हुई हमें मालूम है। तो इसी वजह से यह ऑर्डिनेंस अमेंडमेंट लेकर आया है। ऑर्डिनेंस के बारे में बताता हूं मैं आपको। ऑर्डिनेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है सेक्शन 10A, और ये सेक्शन 10A के इंट्रोडक्शन के बाद में सस्पेंड हो जाएंगे सेक्शन 7, सेक्शन 9, सेक्शन 10। हाँ, ये 7, 9, 10 वही सेक्शन है। इसमें प्रोसीजर बताया गया है कि किस तरह से आप कोई भी बंदे को ट्रिब्यूनल्स में लेकर आ सकते हो अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है कोई खर्जा। अब यही बात डिटेल में की गई है नीचे, ये देखते हैं हम। यहाँ देखिए, इट स्टेट्स दैट नो एप्लीकेशन शैल एवर बी फाइल्ड फॉर इनिशिएशन ऑफ कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन। के ये सेक्शंस सस्पेंड होने के बाद आप कोई भी इनिशिएशन नहीं करोगे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन का, और ये चलेगा
25 मार्च से 6 महीने तक, ये ऑर्डिनेंस की लाइफ होगी 25 मार्च 2020 से 6 महीने तक, और वक्त आने पे इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं एक साल के लिए। और सेक्शन 79 क्या कह रहे हैं, सेक्शन 79 भी यही कह रहे हैं कि इनिशिएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, और ये सेक्शन 79 फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए है और ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के लिए है। फाइनेंशियल क्रेडिटर्स वो होंगे जो खर्च देंगे कंपनी चलाने के लिए, कॉरपोरेट रन करने के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होंगे जो सप्लाई करेंगे रॉ मटेरियल किसी भी कॉरपोरेट को। और सेक्शन 10 क्या है, सेक्शन 10 भी वही कह रहा है कि एक कॉरपोरेट एप्लीकेंट ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करेगा। तो बहरहाल ये ऑर्डिनेंस के पास होने के बाद में सेक्शन 7, 9, 10 ये सस्पेंड हो जाएंगे। थोड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स देखेंगे हम आईबीसी का, कि आईबीसी किस किस चीजों को कवर करती है। यहां पे देखिए आईबीसी कवर करती है पूरे इंडिविजुअल्स जो चाहे यहां पे आके अपना केस दर्ज करवा सकते हैं, कंपनीज को, एलएलपीस यानी लिमिटेड लायबिलिटीज, पार्टनरशिप्स को एंड पार्टनरशिप फर्म्स को, ये सारी चीजों को इंसॉल्वेंसी बैंकरप्टसी कोर्ट कवर करेगा। अब ये देखिए एडजुकेटिंग अथॉरिटी कौन होगा ये संभालने वाली आईबीसी को। देखिए कंपनीज के केस में होती है एडजुकेटिंग अथॉरिटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, और इंडिविजुअल्स या पार्टनरशिप फर्म्स के केस में होगी एडजुकेटिंग अथॉरिटी डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स डीआरटी। अब देखिए यहां पे कंप्लेन कौन कौन इनिशिएट कर सकता है, द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कैन बी इनिशिएट बाय एनी ऑफ द स्टेक होल्डर, जो भी स्टेक होल्डर होगा वो इनिशिएट कर सकता है ये इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस। यहां पे हो सकते हैं फर्म्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड इवन एम्प्लॉइज। अगर एडजुकेटिंग अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेता है आपका इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, तब ये क्या करेगा, ये एक इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल को अपॉइंट करेगा, और ये जो पावर ऑफ मैनेजमेंट होगा बोर्ड ऑफ फर्म का, जो भी कंपनी होगी कॉरपोरेट होगी उसका पावर ऑफ मैनेजमेंट कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाकर उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स की जिम्मेदारी होगी कि किस तरह से अपना कर्जा निकालना है ये कंपनी से। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिया जाएगा, आईपी डिसाइड करेगा कि क्या कंपनी को हम रिवाइव करेंगे या कंपनी को लिक्विडेट करेंगे, यानी कंपनी के हर चीज बेचकर ये का खर्चा चुकाएंगे। ठीक है, अगर रिवाइव करना है तो हम एक ऐसा आईपी जो है वो एक ऐसा बायर ढूंढेगा जो फर्म को खरीद सके। नहीं भाई, अब रिवाइव नहीं करना है, लिक्विडेट करना है, तो ये डिसीजन छोड़ा जाएगा दो तरह के लोगों पे। अगर क्रिटिकल डिसीजन लेना है तो 66% वोटिंग की जाएगी, या रोटीन डिसीजंस लेना है तो 51% वोटिंग के हिसाब से इसका प्लान किया जाएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल अब कंपनी के पास पैसा बहुत कम है लेकिन खर्च ज्यादा है देने के लिए, तो यहाँ पे 66% वोटिंग की जाएगी ये क्रिटिकल डिसीजंस लेने के लिए। अब ये मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिटर्स होंगे जो एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ हमें इतना तो एटलीस्ट पैसा वापस कर दो। रोटीन डिसीजन में कुछ और मामला होगा, 51% होगा। अब यहां पे लॉ प्रेस्क्राइब कर रहा है आईबीसी का लॉ कि इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए 180 दिनों में। अगर नहीं हो रहा है 180 दिन में तो आप प्लस 90 कर सकते हो, 180 प्लस 90 डेज कर सकते हो, लेकिन ये दिनों में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है 180 प्लस 90 डेज में तब क्या होगा, तब एक ही डिसीजन लिया जाएगा कि कंपनी को लिक्विडेट करना है। आ रहा है समझने, रिवाइव नहीं करेंगे अब लिक्विडेट ही करेंगे। अब इसके अलावा भी अल्टरनेट मेथड्स प्रोवाइड किए गए हैं कि किस तरह से आप किसी का डेट रिकवर कर सकते हैं। यहां पे एक एक्ट की बात की गई है, सरफेसी एक्ट 2002। सरफेसी मतलब सिक्योरिटाइजेशन and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest act। यहां पे आपने अपनी सिक्योरिटी रखकर, कोई जमीन रखकर, जमीन है सिक्योरिटी, यहां पे जमीन रखकर आपने डेट ली है, तो अब ये रिकवर कैसा होगे, ये जमीन को बेच दिया जाएगा, आपको जो खर्च दिया है उसको रिकवर करने के लिए ये सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगी, ये सिक्योरिटी को बेच दिया जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स यानी अब देखिए 6 महीने के टाइम पीरियड लिया गया था कि 6 महीने के अंदर मैं खर्च करूंगा, खर्च है ना चुका दूंगा, लेकिन हो रहा नहीं तो मैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट करूंगा, इसको 12 महीने के लिए एक्सटेंड करा दूंगा। ये एक तरीका है सरफेसी एक्ट के अंदर।
और इसके अलावा भी मैं क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ फॉर डिसऑनर्ड चेक्स, वो चेक्स जो चल ही नहीं रहे हैं, बाउंस किए जा रहे हैं, वो चेक्स के अगेंस्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता हूँ मैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के तहत भी मैं मनी को रिकवर करवा सकता हूँ। और एक स्कीम है डेट वसूल करने की, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ये कंपनी एक्ट के सेक्शन 230-232 में आता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक कंपनी खर्च बाकी है, तब ये कंपनी नहीं चुका रही है तो क्या करेगी, इक्विटी दे देगी, ठीक है, शेयर्स दे देगी कंपनी के, या ओनरशिप राइट्स दे देगी किसी बंदे को कि हाँ हम नहीं कर सकते, एक काम करना आप इक्विटी ले लेना या आप ओनरशिप ले लेना, आधी ओनरशिप आप संभालना आधी मैं संभालूंगा, पार्टनरशिप में करेंगे। इस तरह के प्रोविजंस दिए गए हैं अल्टरनेट मेथड से ये डेट रिकवरी करने के। नेक्स्ट आर्टिकल, बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, BIT। इंडिया हमेशा से यही चाहता है हमारा जो देश है वो एक ऐसा देश हो जहां पर इन्वेस्टमेंट के लिए लगातार हर कंट्री अट्रैक्ट हो, मतलब जो दूसरे देशों के इन्वेस्टर्स हो वो चाहे कि इंडिया में ही इन्वेस्ट करें। तो इसी वजह से इंडिया क्या चाह रहा है कि जितने भी बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज किए गए हैं उसको हमेशा रिव्यू करते रहो कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी को देखकर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए अट्रैक्ट हो। तो यही कह रहा है ये कॉन्टेक्स्ट। एज इंडिया अटेम्प्ट्स टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट्स, देर हैव बीन कॉल्स टू रिव्यू इंडियाज मॉडल बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी 2016। हाँ, ये बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी क्या है वो देख लेंगे अब। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज आर ट्रीटीज बिटवीन टू कंट्रीज, ये ट्रीटीज होते हैं दो कंट्रीज के लिए, इसीलिए तो इसको बायलैटरल कह रहे हैं ना, बाय माने टू, दो कंट्री के बीच में होते हैं ये ट्रीटीज। रीजन यही होता है सिंपल से कि जो होस्ट कंट्री है, से हियर इन केस मैं लेता हूं होस्ट कंट्री इंडिया, और फॉरेन कंट्री जो है गेस्ट कंट्री जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रही है, तो ये कंप्लीटली इंडिया की जिम्मेदारी है, यानी होस्ट कंट्री की जिम्मेदारी है किस तरह से इसको प्रोटेक्ट करे इंडिया में। अब ये ट्रीटीज के साइन होने के बाद होस्ट कंट्री के ऊपर ये जिम्मेदारी हो जाती है कि किस तरह से अपना बिहेवियर जो है उसको रेगुलेट करें। ये ट्रीटीज यही करती है, कंडीशन इंपोज करती है कि आपको अपना बिहेवियर रेगुलेट करना होगा, क्योंकि ये फॉरेन इन्वेस्टर है और इनके पास ऐसा नहीं होगा कि आप ये लोग जो भी कमाई बना रहे हैं, जो भी पैसे बना रहे हैं होस्ट कंट्री में, कि आप आपकी कंट्री में लेकर नहीं जा सकते, मतलब रेमिटेंस रुका दे रही है होस्ट कंट्री, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये सारे कंडीशंस जो हैं वो ट्रीटीज में साइन किए जाते हैं, और इनफैक्ट ये इम्पोज भी करती है ऑब्लिगेशंस ऑन होस्ट स्टेट के, देखिए फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। अब ऐसा नहीं करना कि अगर कोई इंडिजीनियस कंपनी और एक फॉरेन कंपनी हो, दोनों में डिस्प्यूट हो गए तो आप इंडिजीनियस कंपनी का सपोर्ट करें, तो ये फेयर सपोर्ट नहीं माना जाएगा। तो एक होस्ट कंट्री के ऊपर जिम्मेदारी ये भी होगी कि फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट दिया जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। और बायलैटरल ट्रीटीज में इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स की भी बात की जाती है। ये इन्वेस्टर डिस्प्यूट्स सेटलमेंट्स के अंतर्गत आता है। ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है कि अगर फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे कुछ लीगल डिस्प्यूट्स में पड़ जाता है तो इसकी हियरिंग कंट्री के बाउंड्रीज में नहीं होगी, और इसकी हियरिंग के लिए, ये केस को सॉल्व करने के लिए ICSID के पास ये जा सकता है। इंडिया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन करना स्टार्ट कर दिया था अर्ली 1990s में ही, और इंडिया ने पहली बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी साइन की थी यूनाइटेड किंगडम के साथ 1994 में, और जब से लेकर अब तक 84 कंट्रीज के साथ इंडिया के बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज साइन हुए हैं। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज एक मेजर ड्राइवर है FDI को इंडिया में लेकर आने के लिए, और टोटल FDI की हम बात करें तो टोटल FDI इंडिया की बढ़ ही जा रही है। 2001 में $4,029 मिलियन थी FDI वैल्यू, और अभी क्या है, अभी 2016-17 में FDI का जो फ्लो है इंडिया में वो लगभग है $43,478। इतने सारे BIT साइन होने के बावजूद भी इंडिया के ऊपर पेनाल्टी अवार्ड कर दिया गया है ISDS के द्वारा, इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट, ये एक ट्रिब्यूनल है, उन्होंने पेनाल्टी अवार्ड दी है इंडिया को। एक केस हुआ था 2011 में वाइट इंडस्ट्रीज केस, उसके चलते चलते इंडिया के ऊपर पेनाल्टी लगी थी, और इसके बाद में इंडिया के ऊपर सब्सिक्वेंट नोटिसेस भी
लगाई गई थी इन अ वाइड वेराइटी ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग रेगुलेटरी मेजर्स लेड टू आर रिव्यूज ऑफ BITs। और ये सारे होने के बाद में इंडिया ने फिर से फैसला किया है कि हर बार 2016 के हर बार हम जितना हो सके उतना रिव्यू करेंगे बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज, सो दैट इस तरह के डिस्प्यूट्स हमें फ्यूचर में ना मिले। तो इस तरह के डिस्प्यूट्स देखने के बाद इंडिया ने फाइनली फैसला ये किया 2016 में कि बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी बनाई जाए। और ये बनाने के बाद इंडिया अपनी खुद ही से ही इस तरह के प्रोविजंस करता है कि कल के दिन फिर से इस तरह का डिस्प्यूट हो जाए तो कोई दूसरे कंपनीज इंटरनेशनल लेवल तक ये बात लेकर नहीं जाए। तो इस तरह से अपने हिसाब से इंडिया ने प्रोविजंस मोल्ड किए थे इसके अंदर। और 2016 से 19 के बीच में ही 2016 की ट्रीटी इंप्लीमेंट होने के बाद 2016 से 2019 तक 66 और BITs को इंडिया ने अपनी खुदी से ही यूनिलैटरल वे में टर्मिनेट कर दिया है। और इसके बाद में सिर्फ अभी तक 3 ट्रीटीज साइन किए गए हैं और जिनमें से एक भी अभी तक फोर्स में नहीं आई। करंट सिनेरियो की अगर हम बात करें, इंडिया काउंट किया जाता है टॉप 10 में FDI के लिए। 2019 में ये रैंक मिला था इंडिया को और इंडिया का रैंक है 63, जो वर्ल्ड बैंक इशू करता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के हिसाब से इंडिया की रैंक है 63। बहुत ही अच्छे रैंक से ये, लेकिन फिर भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है इंडिया का वो 2% ऑफ GDP का ही है। अब देखिए इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट क्या है। ICSID वर्ल्ड का लीडिंग इंस्टीट्यूट है जो डिवोट करता है इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट्स के, अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो गए तो वो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आ सकते हैं। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1966 में बाय द कन्वेंशन ऑन द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स फॉर लीगल डिस्प्यूट्स रेजोल्यूशन एंड कंसिलेशन बिटवीन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, के दोनों पार्टीज के बीच में कंसिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह का इंटरनेशनल लेवल पे इंस्टीट्यूट बनाया गया है। अभी तक इस कन्वेंशन को साइन किया है 155 कंट्रीज में एंड इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस ICSID कन्वेंशन। नेक्स्ट आर्टिकल, रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी। देखिए रिसेंटली पैन इंडिया लेवल पर रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी को लॉन्च किया गया है। अब मैं बताता हूँ आपको रियल टाइम मार्केट इन इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। रियल टाइम मार्केट एक ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेटफॉर्म है जो एनेबल करेगा बायर्स को और सेलर्स को कि आपकी जो भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। ये एक रियल टाइम ऑपरेशन होगा जिसके ऑक्शंस किए जाएंगे 48 टाइम्स इन अ डे, मतलब हर आधे घंटे में आपको ऑक्शंस का मौका मिलेगा, ऑक्शन में आप अपनी बिड लगा सकते हैं। और ये ऑपरेशनलाइज होंगे 2 प्लेटफॉर्म से, एक होता है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, दूसरा होता है पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड PXIL, पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड POSOCO। ये क्या करेगी, इलेक्ट्रिसिटी को रूट प्रोवाइड करेगी कि किस तरह से सप्लाई से लेकर और कंजम्पशन पॉइंट तक किस तरह से आप इलेक्ट्रिसिटी को डायरेक्ट करोगे, कैसा करोगे। उसके लिए आपके पास होना चाहिए रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स, और यहाँ पे POSOCO के पास 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स है, मैं बताऊँगा आगे आपको। देखिए इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड क्या है, ये फर्स्ट एनर्जी एक्सचेंज है इंडिया में। ये प्रोवाइड करेगा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के इलेक्ट्रिसिटी की डिलीवरी कैसी होगी और सर्टिफिकेट्स रिन्यूएबल एनर्जी के यही प्रोवाइड करेगा और सर्टिफिकेट्स एनर्जी सेविंग के भी यही प्रोवाइड करता है। अब देखिए पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड क्या होता है। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड भी इंडिया का फर्स्ट इंस्टीट्यूशनली प्रोमोटेड पावर एक्सचेंज है जो प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म फॉर ट्रांजेक्शन इन पावर एंड अलाइड प्रोडक्ट्स। अब देखिए POSOCO क्या है। POSOCO होल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये एक एंटरप्राइज है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ओन किया हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। ये प्रोवाइड करती है फैसिलिटीज के किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी की होलसेल मार्केट क्रिएट किए जाए, जो एडमिनिस्ट्रेट करेगी सेटलमेंट सिस्टम, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स। अभी जैसे मैंने कहा था ये 5 रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर्स है इसके पास, जिसके थ्रू ये इलेक्ट्रिसिटी को ऑटोमेटेड रूट जनरेट करके देगी। और इसके पास है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर्स, ये इंश्योर करेगी इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस जो भी नेशनल पावर सिस्टम के होंगे वो इंश्योर करेगी विद रिलायबिलिटी, इकोनॉमी एंड सस्टेनेबिलिटी।
नेक्स्ट आर्टिकल अग्रीडेक्स। रिसेंटली नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने अनाउंस ये किया है कि हम हमारे देश का पहला एग्रीकल्चर इंडेक्स निकालेंगे जिसका नाम है अग्रीडेक्स। ये एक हाइब्रिड वर्ड है, एग्रीकल्चर और इंडेक्स को मिलाकर बनाया गया है। और इसके आ जाने से खरीफ और रबी सीजन्स में जो लिक्विड कमोडिटी होती है उसका ट्रेड करना आसान हो जाएगा। और ये 10 लिक्विड कमोडिटीज मेंशन किए गए हैं। ये कौन से हैं? ये 10 कमोडिटीज में आते हैं कैस्टर सीड्स, चना, कोरिएंडर, कॉटन सीड ऑयल केक, गॉर्गम, ग्वार सीड, जीरा, मस्टर्ड, रेफ सोया ऑयल एंड सोयाबीन। ये एग्रीडेक्स में ये शर्त लगाई गई है कि कोई भी एक ही बंदा आके 40% से ज़्यादा टोटल वेटेज में ये 10 कमोडिटीज़ की खरीदारी नहीं कर सकेगा, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी इंश्योर करना होगा कि खाली एक ही बंदा आके 40% से ज़्यादा ले रहा है ये 10 कमोडिटीज़ को, तो दूसरे के हाथ में क्या लगेगा। तो डाइवर्सिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए ये लिमिट दे दी गई है कि 40% से ज़्यादा कोई भी एक शख्स आके ये कमोडिटीज़ को नहीं खरीदेगा। और ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती है हेजिंग की। हेजिंग क्या होता है? देखिए, हेजिंग क्या है, अगर आप फ्यूचर की डेट में ये 10 कमोडिटीज में से कोई कमोडिटी खरीदना चाह रहे हो लेकिन आप इसका प्राइस अभी दे दे रहे हो, आज की डेट में ये प्राइस देकर ये कमोडिटीज खरीद रहे हो लेकिन डिलीवरी आपको कब चाहिए, फ्यूचर डेट में, इसको ही कहते हैं हेजिंग। तो ये हेजिंग भी प्रोवाइड करता है ये अग्रीडेक्स। सेबी के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रिवाइज गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो किया जाएगा और यहाँ पे NCDEX पार्टनर करेगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेस के साथ, जो कि एक लीडिंग इंडेक्स प्रोवाइडर है जो मेंटेन करता है डिसेमिनेट रियल टाइम NCDEX एग्रीडेक्स वैल्यूज। NCDEX क्या है? NCDEX एक इंडिया का लीडिंग एग्रीकल्चर कमोडिटी एक्सचेंज है जो ऑफर करेगा बहुत सारे वैल्यू चेन ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, और ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा बायर्स और सेलर्स को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा ये। और इट ऑफर्स, ये ऑफर करेगा वाइड रेंज ऑफ बेंचमार्क प्रोडक्ट अक्रॉस एग्रीकल्चर कमोडिटीज। नेक्स्ट आर्टिकल, टैरिफ रेट कोटा स्कीम। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नॉर्म्स नोटिफाई किए हैं, उसमें इन्होंने कहा 5 लाख टन्स मेज अगर आप इंपोर्ट करते हो अंडर टैरिफ रेट कोटा स्कीम ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर, तब आपको कंसेशन मिलेगा कस्टम ड्यूटी का 15%। ये स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानकारी देता हूँ मैं आपको। देखिए, ये स्कीम में गवर्नमेंट अलाउ कर रही है 4 प्रोडक्ट्स की जिसपे आपको कंसेशंस मिलेंगे। एक होगा मेस या कॉर्न कहते हैं हम इसे, मिल्क एंड क्रीम इन पाउडर, ग्रैन्यूल्स, क्रूड सनफ्लावर सीड और सनफ्लावर ऑयल और इनके फ्रैक्शंस। इसके अलावा भी रिफाइंड रेप, कोल्जा और मस्टर्ड ऑयल और इनके फ्रैक्शंस, इनके ऊपर कंसेशन मिलेगा आपको कस्टम ड्यूटी में। टैरिफ रेट कोटा ये एक मैकेनिज्म है जो सेट करेगा कि कितनी क्वांटिटी में आप स्पेसिफिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करोगे और ये इंपोर्ट करने पे आपको कस्टम ड्यूटी कितनी लगेगी। अगर आप ये स्कीम के अंतर्गत इंपोर्ट करते हो तब कम से कम कस्टम ड्यूटी या 0 रेट कस्टम ड्यूटी इम्पोज की जाएगी। TRQ का कमिटमेंट ये है कि हम कोई भी लिमिट सेट नहीं करेंगे, आप जितना चाहें उतना इंपोर्ट करना, लेकिन हमारी इस स्पेसिफाई की हुई कोई लिमिट है, अगर इसके बियॉन्ड आप चले जाते हो तो आपको हायर रेट पे कस्टम ड्यूटी को पे करना होगा। ये एक 2-टायर टैरिफ इंस्ट्रूमेंट है ये, और जो भी ये कोटा के अंदर कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है तो कम से कम इनके ऊपर टैरिफ रेट इंपोज किया जाएगा और इसी को कहते हैं हम टैरिफ कोटा रेट। अगर इससे ज़्यादा आप इंपोर्ट करते हो तो आपके ऊपर हायर टैरिफ रेट्स लगाए जाएंगे, जो कि नॉर्मली मेंशन की जाएगी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अग्रीमेंट्स में। देखिए, मोस्ट फेवर्ड नेशंस टैरिफ्स क्या होते हैं? ये वो टैरिफ्स होते हैं जो कंट्रीज ने प्रॉमिस किया हुआ है कि हम एक प्रोडक्ट पे यूनिफॉर्मली टैरिफ लगाएंगे वो मेंबर्स को जो WTO के हैं। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।